अस्सलाम वालेकुम। तो आज यार हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत ही सस्ते हेडफोन्स का रिव्यू, जो कि आप अगर प्रोफेशनल गेमिंग करते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे, और आप पबजी मोबाइल पे खेलते हैं, पीसी पे कोई भी गेम खेलते हैं तो कम कीमत में आपको काफ़ी अच्छे हेडफोन मिल जाएंगे। तो आपको पता है 10-15-12 हज़ार के इतने में आपको एक अच्छा हेडफोन मिलता है, लेकिन ये बहुत ही कम कीमत में एक अच्छा हेडफोन है। इनमें कमियाँ क्या क्या हैं, बाकी इसमें जो जो अच्छी चीज़ें हैं कमियाँ, वो सब मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले आप इसकी थोड़ी बहुत अनबॉक्सिंग तो इन्जॉय कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैं इसका बॉक्स ओपन करता हूँ, और जैसे ही हम लोग इसका बॉक्स ओपन करेंगे यहाँ पर आप लोगों को जो है मेन हमारा जो कंपोनेंट है यानी हेडफोन्स वो मिलेंगे। इसके साथ हमें कुछ केबल्स वगैरह, यूज़र मैनुअल गाइड और यही चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। तो यूज़र मैनुअल अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लो, और इस हेडफोन का जो नाम है वो है क्वेश्चन ईच G200, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी जो केबल्स वगैरह, और ये हमारा जो है मेन जो है प्रोडक्ट है यानी हेडफोन। अब पहला जो मेरा इसको देखने का जो पहला मेरा एक्सपीरियंस है या मेरा पहला इंप्रेशन है वो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि ये हेडफोन देखने में काफ़ी कूल लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है लुक भी एक चीज़ होती है, तो अगर मैं लुक वाइज इसकी बात करूँ तो मैं इसको 100/100 या 10/10 नंबर देता हूँ। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो आप इसको अपने स्मार्टफोन के साथ भी यूज़ कर सकते हो, पीसी वगैरह, PS4 वगैरह, गेमिंग कंसोल जितने भी हैं आप इसको यूज़ कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। तो आज यार हम लोग करने जा रहे हैं एक हेडफोन का रिव्यू। तो बहुत से लोग बोलते हैं भाई हमने गेमिंग करनी है, हम पबजी खेलते हैं, मोबाइल पे खेलते हैं या पीसी पे, जहां पर भी, तो बहुत सी हम गेम्स खेलते हैं और हमें एक अच्छे हेडफोन चाहिए। अब होता क्या है, एक अच्छे हेडफोन अगर आपको मिल जाए तो आप उसका आपको गेम में क्या फायदा होता है। एक तो फायदा ये होता है जैसे आप फॉर एग्जाम्पल पबजी खेलते हैं तो फुट स्टेपिंग वगैरह और ये चीजें आती है, फुट स्टेप आते हैं, तो आप लोगों को जल्दी अगर अच्छे आपने नॉर्मल हैंड फ्री लगाए तो आप नहीं जल्दी से उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे किस साइड से बंदा आ रहा है, क्या हो रहा है। मतलब गेमिंग में अगर आपके पास अच्छे हेडफोन होंगे तो आपकी गेमिंग में कहीं ना कहीं ऑब्वियसली स्किल तो जरूरी होती है लेकिन कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट भी आती है। तो बहुत से महंगे महंगे 15-20-25-30-30 हज़ार के हेडफोन्स गेमिंग होते हैं, बल्कि उससे भी महंगे होते हैं, वैसे नॉर्मल इतने मिल रहे होते हैं। तो मैंने कहा चलो एक कुछ सस्ता हेडफोन ट्राई करते हैं। तो मैं इससे पहले बहुत ज्यादा हेडफोन यूज कर चुका हूँ, लाइक ब्लडी के, री ड्रैगन के, उसके अलावा रेजर का, और भी बहुत से मैंने हेडफोन यूज किए हैं। तो मुझे अभी जो करंटली मैं यूज कर रहा हूँ वो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ये हैरी ड्रैगन, इनका मॉडल भूल ही गया मैं, तो ये मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये एडिटिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, मैंने 7,500 के लिए थे और बहुत जबरदस्त चल रहे हैं। अब इस अगर इन हेडफोन्स की बात की जाए तो जल्दी से इसका रिव्यू कर लेते हैं, बाकी वीडियो तो आपने लाइक कर ही दी होगी। ओके, सो अगर आप गेमिंग कर रहे हो और ये हेडफोन आप खरीदना चाहते हो तो इसके अंदर कुछ तो बहुत ही जबरदस्त चीजें। फॉर एग्जांपल जो सबसे इसमें मुझे अच्छी चीज लगी, इसकी लुक बहुत प्यारी है, लाइक अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको LED लाइट्स भी मिलती हैं और लुक भी काफी प्यारी है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, आपका सर अगर थोड़ा बड़ा है तो आप इसको एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। माइक की जो इसमें क्वालिटी है इसके ऊपर आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें आपको एक माइक मिला है जो यूं अगर आप लगाएंगे गेमिंग के दौरान तो इधर से जो आवाज उधर जाएगी। तो माइक लाइक उतना अच्छा नहीं है, मैंने माइक की क्वालिटी चेक की है तो लाइक बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही हल्की है, लेकिन बाकी जो हेडफोन की जो वॉइस है वो बेस वगैरह अगर आप सॉन्ग्स भी सुनते हैं तो काफी अच्छी है और गेमिंग में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। और उसके अलावा यहां पर एक चीज जो इसमें मुझे बुरी लगी है और वो ये कि अगर आप इसको सर पे पहनेंगे, सर पे सॉरी हेड पे अपने लगाएंगे तो यहां पर इसका ये जो इसकी जो ऊपर ये कुशनिंग सी हुई है ये मतलब बड़ी सख्त सी है, और अगर आप लंबी देर तक मतलब गेम खेलते हैं 10-12 घंटे तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन 2-3 घंटे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। उसके बाद इसकी लाइक ग्रिप इतनी मजबूत है कि आपको सर में दर्द भी हो सकता है, तो उसलिए अगर आप मतलब पक्के गेमर हैं तो फिर ऑब्वियसली मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, आप थोड़े से और पैसे डाल के कोई भी और ले सकते हैं। और ब्लडी के साथ मेरा यार एक्सपीरियंस बड़ा बुरा रहा है, कैसे बताऊँ आपको, चलो उस पर फिर वीडियो होगी कि ब्लडी के साथ कैसा एक्सपीरियंस मेरा रहा और क्यों गलत और बुरा एक्सपीरियंस रहा। तो ये हेडफोन बेसिकली अच्छे हैं, सिंपल अगर वर्ड में बोलूँ, वॉइस बहुत अच्छी है, माइक हल्का है थोड़ा और इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बट अगेन प्राइस इसकी जो है तकरीबन आपको 2200-2300 रुपये में ऑफलाइन मार्केट से और 2500-2800 में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और इस हेडफोन का जो नाम है क्वेश्चन ईच G200, और मतलब LED लाइट्स मिल जाती हैं, एडजस्टेबल है, ठीक है, माइक वाइक है इसके साथ, उसके अलावा आप यहाँ पर इसकी वॉइस को जो है अपनी मर्जी से यहाँ पर लगा हुआ ऊपर नीचे इधर से ही कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, माइक को ऑन ऑफ आप यहाँ से ही कर सकते हैं। ये इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है कि माइक अगर आप पबजी खेल रहे हैं तो आपको वहां से जाकर उस पर ऑफ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट आप यहाँ से उस माइक को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है।
तो ये इसकी कुछ यार है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो ऑफलाइन मार्केट से खरीदो, ऑनलाइन अगर आप जाओगे तो आपको हो सकता है काफी ज्यादा महंगा पड़ जाए। सो यस ऑफ कोर्स आप इसको ऑफलाइन जाकर खरीदो। तो बहुत से यार मैंने माइक यूज किए, मैं आप लोगों के साथ एक बाकायदा जो है सॉरी माइक बोल रहा हूँ, बहुत से हेडफोन यूज किए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी हेडफोन मैंने यूज किए मैं आपको बारी बारी बताऊंगा मेरा उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं तकरीबन 10 से 12 गेमिंग हेडफोन पिछले 1.5-2 साल में यूज कर चुका हूं। तो यस ऑफ कोर्स मुझे बहुत शौक है, वैसे मैं लाइक इतनी एलईडी वाला वो मुझे सर में दर्द होता है उससे, मतलब ज्यादा अगर आरजीपी या ये चीजें नहीं मुझे पसंद, लेकिन फिर भी मैंने आरजीपी भी काफी लिए, ये वो आगे सारा सीन वो फिर किसी वीडियो में एक्सप्लेन होगा। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो। अल्लाह हाफिज।